चाय कैसे दो, छान के दो या पत्ती के साथ पियोगे? पत्ती के साथ पियोगे? पत्ती मतलब चाय की पत्ती। छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। अब मेरे से क्या छोटी मिस्टेक हुई कि कल Welcome to my channel. It's all about experience because my video is about what I experience in real life. Hello, धीरे बोल रही हूँ, लक्ष्य उठा हुआ ऑलरेडी, सिर्फ सो रहा है जबरदस्ती। तो अब मैं करूँगी, अभी तो मुझे प्राणायाम करना है और उसके बाद में सूर्य नमस्कार करना है। तो प्राणायाम आप जो चाहो कर सकते हो, पर करना चाहिए। और मैं हमेशा प्राणायाम ओम का जाप करते हुए करती हूँ, मैं इसमें लगा देती हूँ, चलता रहता है उसमें करती हूँ, तो थोड़ा सा मेडिटेशन भी हो जाता है जब आँखें बंद करके करते हो ना। तो चलो मैं तो कर रही हूँ, आप ही करो। मैं कैसे करूँगी एक्सरसाइज? लक्ष्य तो आप क्या करोगे अभी बताओ? सुबह 6 बजे? अभी आप ऐसे ही बैटरी लो, ये देखो ये इसकी हरकत। इधर आना, तू क्या करके आया? उधर क्या करके आया तू? हाँ क्या किया? सॉस चाटा जमीन पे डाल के। सॉरी बोल, सीधा बैठ पहले। सॉरी बोल, ऐसे करेगा? मेरे हाथ में अभी भी हल्का सा पेन है, पर मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला और ढंग से मैंने अपना वर्कआउट किया। और ये रहा मेरा व्हीट ग्रास पाउडर 1 गिलास पानी में। पापा ने क्यों मारा आपको? और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट मूंग स्प्राउटेड चिल्ला, इसमें थोड़ा सा मैंने ओट्स भी डाला था और ये बहुत टेस्टी बना है। और इसके साथ है ग्रीन चटनी और मैंने देखी साइड से थोड़ा सा काटा। इनके लिए रोटी बना दी और खुद के लिए भूल गई, पूरा प्लेटफॉर्म फेसेस गंदा हो गया, साफ करके रखा था। मिड मील ऑरेंज और ग्रीन टी। चालू ही जाए भाई। आप बस के आज लेट भी हो गया, 1:15 हो गई और हम कर रहे हैं लंच। और आज मेरे लंच में है एज यूजुअल बाजरे की, सॉरी ज्वार की रोटी जो बनती है। और ये इस बार मैंने पतली बनाई, मेरे से सही से नहीं बनती पर ठीक है। और ये तुरे की सब्जी, ये लाल दिख रही है क्योंकि मिर्ची ज़्यादा लाल है पर इतनी तीखी नहीं होती है। ये है दाल और तड़का वाली दाल है पर मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला। ये सैलेड और छाछ, छाछ उसमें मेन्यू में नहीं है बट मैं लेती हूँ। और आज की अच्छी बात कर लेते हैं लक्ष्य पहले। आज की अच्छी बात यह है कि हमें हमारी जो भी मील्स होती है उसको हमेशा टाइम पर लेना चाहिए। आधा घंटा 15 मिनट का कभी कभी हो जाता ऊपर नीचे, इट्स ओके, बट जितना हो सके उतना हमें टाइम पर लेना चाहिए। मैं टाइम पे बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं फॉलो करती हूँ सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना। ये क्या था? नहीं सॉरी, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना और ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। एक्चुअली सबसे बेस्ट है कि आप सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो, तो हर काम आपका सही से होता है। पर हर एक
के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रोफेशनल अलग होता है प्रोफेशन, जिसमें उनको रात को काम करना हो सकता है या लेट तक काम करना हो सकता है, तो सबका अपना अपना टाइम होता है। तो बट आप अपने उस टाइम के हिसाब से अपना अपना मील ले सकते हो। लाइक अगर आप 9 बजे भी उठ रहे हो और रात को मतलब आपके 11 बजे तक काम है, तो आप उस हिसाब से चलिए। बट लिए लेना वैसा ही है, जैसे उठते ही पानी पियो, फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो भी सॉक करके रखा वो, फिर ब्रेकफास्ट लो, फिर लंच लो, गैप उतना उतना ही रखो जितना मॉर्निंग में मैं रख रही हूँ। मतलब टाइम चेंज होगा, गैप उतना ही रहेगा, और मील कोई भी स्किप नहीं करनी। लाइक अगर आप 11 बजे उठ रहे हो क्योंकि आपका शेड्यूल उस हिसाब से शुरू होता है, आप लेट तक सोते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 11 बजे उठते ही आप लंच कर लो। आप अपना उस हिसाब से चलिए ना, लाइक ड्राई फ्रूट्स खाया, ब्रेकफास्ट किया। आज एक और अच्छी बात ये हुई कि आज हमारे कज़िन यानी कि हेमंत के कज़िन की सगाई थी, जो मेरी ननद लगती है, आज उनकी सगाई हुई। तो ये फंक्शन हो रहा है और हम लोग लाइव वीडियो कॉल पर है। दुर्गा मामी सा पानी एक कप सिर्फ आपके लिए बना रहे हो? हाँ, तो एक कप पानी डालो, एक कप पानी डालो, उसको उबलने दो, फिर 1.5 कप दूध डालना, क्योंकि वो पानी है ना कम हो जाता है उबल उबल के। अब कभी तो बने ही होगी चाय। तो अब मत पूछना मेरे को, तभी तो हरी सब्जी लेने हर दूसरे दिन जाना पड़ता नीचे। क्या बोलते हैं, अदरक धोनी है पहले? वाओ, सुनो ये चाय आपको छान के दूं या कुछ लोग ऐसे पीते हैं पत्ती के साथ? बहुत घटिया एक्टिंग की। आप कैसे पीते हो? मेरा छोड़ो, आप अलग नहीं, आपके डाइट का हो। आप कैसे पीते हो? वापस एक्शन बोलती है, एक्टिंग करके दिखा, ठीक है? एक्शन। आपको चाय कैसे दो, छान के दो या पत्ती के साथ पियो? पत्ती के साथ पियो। पत्ती मतलब चाय की पत्ती? मेरे पति। अरे डाइट है, मुझे क्या पता आपका क्या चल रहा है। वाओ, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द वीडियो एंड ऑल दैट थिंग, बिकॉज़ ठीक है, इंग्लिश जार थी। अभी तक मेरी एडिटिंग नहीं हुई आज, एक्चुअली मुझे बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं है, जबकि मैं नॉर्मल एडिटिंग कर रही हूँ फिर भी टाइम लगता है। अभी कितनी बजी है? 4:30 बजे। और मैंने एक और गलती कर दी, क्योंकि पति चाय बना रहे थे ना, तो मैंने भी बोला कि मेरे लिए भी बना दो, और उन्होंने आज जल्दी चाय इसलिए पी क्योंकि आज उनकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग लाइक कोरोना के रिलेटेड, मतलब जो कोरोना पेशेंट है उन्होंने कैसे रिकवर किया, आज हेमंत को कोरोना हुआ था 3 अप्रैल में, तो इसलिए वो मीटिंग में है, तो उन्होंने अपने लिए पहले चाय बना दी ताकि फिर वो मीटिंग अच्छे से, क्योंकि सोए हुए थे ना, तो मैंने भी पी ली। कभी मत कहना मेरे पति बना रहा है तो पी लो, इतना नहीं करने का। और अभी हम जाके देखते हैं कि हेमंत क्या बात कर रहे हैं। व्हिच वी टेक्स नॉर्मली, डोंट टुक इट सीरियसली, बट इन द 14 डेज आई रियली हैड अ गुड टाइम अबाउट आवर इंडियन लाइफस्टाइल व्हिच समहाउ आई वाज इग्नोरिंग। And one thing I really realized that doing the pranayama and having the kada, I wish if I could have do it some years earlier. लक्ष का फोटो टाइम। कि पापा ने क्या क्या भाषण दिए? पैनलिस्ट थे 4 लोग जिसमें मैं भी था, बाकी 3 थे ना, देर वॉज वेरी सीरियस कंडीशंस, और वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। मम्मा,
आपका तो ठीक था। हाँ, मिला है। आपका। And that's what everybody was telling that I was very blessed and fortunate कि मेरे को इतने ज़्यादा symptoms वगैरह नहीं थे। और फिर उन्होंने मैंने तो यही बोला the most important thing don't get panic कि क्या अगर आपको हो गया तो self isolation रखो और खाने पीने का ध्यान दो, अपना oxygen level check करते रहो, बाकी इतना कुछ खास था नहीं। और बट थोड़ा प्रोटेक्शन लेके पहले चल चल। यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम योर एंड, यू डोंट नो द अदर साइड कि किसको है किसको नहीं है, बट आप अपनी तरफ से जितना अलर्ट रह सकते हो, जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो, प्लीज डू इट। ओए यशोदा कला लिति दुखी क्यों बैठे हो, क्या हुआ? टू मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ क्या था? ओके ओके नाउ सीरियस, क्या हुआ? ऐसा होता है। हाँ होता है, ठीक है, बोलो क्या हुआ? आपको पता है क्या? क्या क्या हुआ था? मेरे तो लक्ष हुआ है, बाकी कुछ नहीं पता। टू मिस्टेक वाला वीडियो जो है कल, मैं ना देखो ऐसा होता है जब आप बहुत सारे काम एक साथ करते हो ना तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। मेरे से क्या छोटी मिस्टेक हुई कि कल मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स पे जो कल वीडियो अपलोड होके कल पब्लिश हुआ था उसका रील डालना था, और मैंने क्या किया जो मैंने कल एडिट किया था जो आज पब्लिश होना था उसका रील मैंने कल बना के रखा कि कल करूँगी, वो मैंने अपलोड कर दिया, मतलब कल वाला रह गया। और आज पब्लिक होना था उसका जो मैंने ट्रेलर रहता है ना वो मैंने पहले ही दिखा दिया। अब लोग भी सोच रहे होंगे ये दो मिस्टेक वाला वीडियो है कहाँ, अभी तक आया क्यों नहीं? वो आज आया है तो ठीक है, होता ना, हो गया, अब ध्यान रखूंगी मैं। और सबसे बड़ी गलती इसलिए होती है इसमें क्योंकि ये जो फोन है ना ये घर की बातें बाहर नहीं निकालते हैं। ये फोन 4-5 कितने साल पुराना है? 2015-16 इनका फोन है। 2-1.5 साल जब तक मैं इंडिया रही तब तक ये बेचारा यहीं पे ऐसे ही पड़ा रहा क्योंकि इन भाई साहब ने नया फोन ले लिया और अब मैं ये फोन यूज कर रही हूं और इसमें जीबी इतनी कम है कि मेरे वीडियो मेमोरी, मतलब वीडियो बनाते बनाते मेमोरी फुल होती है। सोचो मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल है यहां पर, मतलब वीडियो तो बनाओ बनाओ पहले वो भी डिलीट करो और डिलीट करने का भी वो चांस नहीं होता क्योंकि वीडियो तो बनाना है, पहले डिलीट कर दूंगी तो बनाऊंगी क्या? मेमोरी का इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। सोचो मतलब नहीं सोचना भाई, क्यों सोचना उनको? ठीक है भाई, नया फोन ला देंगे आपको। गाइस प्लीज एडवाइस और सजेशन एनी न्यू फोन, ओप्पो बोपो व्हाटएवर इट इज, एनीथिंग एल्स ब्रो, व्हाई शुड आई हैंग अप? बस इवनिंग मीट मील में मैंने लिए है रोस्टेड चना खिचड़ी। ये देखिए मेरी खिचड़ी ऐसी दिखती है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स है और फिर इसको मैंने ऊपर से तड़का दिया है हींग का और एक लाल मिर्च का घी के अंदर, एक चम्मच घी इसके अंदर जाता है। और ये मैं डाइट में नहीं की थी क्योंकि मेरा मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है डिनर में तो ये खिचड़ी है। एक तो ये बहुत टेस्टी बनती है, आप कैसे बनाते हो वो मुझे नहीं पता पर मेरी वाली तो टेस्टी बनती है। दूसरी हल्की होती है, इजीली डाइजेस्ट होती है, और तीसरी हर कोई डाइट में भी इसको लेता है तो ऑफकोर्स आप लोग भी इसी को प्रिफर करिए क्योंकि एक इंडियन डिश है और हमारे इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट डिश है और जल्दी बनती है। इसको और ज़्यादा अच्छा और पौष्टिक बनाने के लिए मैंने इसमें क्या किया है स्मार्टली, वो किया है मैंने कि जो मूंग होते हैं रात को मैंने भिगो के रखे थे तो रात को मैंने मूंग भिगो के रखे, उसको सुबह मसलिन के कपड़े में बांध के रख दिया स्प्राउट बनाने के लिए। तो वो ही सुबह उठते बनाया किया था मैंने तो 2 घंटे में वो थोड़े से स्प्राउटेड हो भी गए थे जो मैंने सुबह चीले में यूज़ किए थे। और उसके बाद मुझे पता था क्योंकि मैं एक दिन पहले ही मील प्लान करती हूँ तो मेरे स्प्राउटेड मूंग मैंने ज़्यादा ही किया था तो उसको मैंने रात को आज दाल की जगह स्प्राउटेड मूंग इसके अंदर डाला तो ये और ज़्यादा इजी टू डाइजेस्ट और ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला खिचड़ी या फूड हो गया है ना, स्मार्ट वर्क। तो आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद में बस हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग थोड़ी देर मूवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। सो गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।
और शाम की मिल में मैं ले रही हूँ रोस्टेड चना।